The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal. Main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Aaj hum baat karenge nausea aur vomiting ke bare mein, ulti aur ukai. उल्टी आना उकाई आना ये उल्टी जैसा लगना और उल्टी आना इसके क्या कारण हैं इसके क्या मायने हैं ये बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम है बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है चाहे वो पेट की बीमारी हो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो स्टमक फ्लू हो फूड पॉइजनिंग हो अर्ली प्रेगनेंसी हो मॉर्निंग सिकनेस हो या मोशन सिकनेस हो कई सारी बीमारियों में नौजिया वोमिटिंग होती है कई दवाइयों के वजह से नौजिया वोमिटिंग होती है ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेशिया बेहोशी की दवा से नौजिया वोमिटिंग होती है मगर आपको जो समझने वाली बात यह है कि ये बहुत रेयर होता है कि सिर्फ नौजिया वोमिटिंग जो है कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बताए अकेला तो नौजिया वोमिटिंग के साथ कई अलग चीज़ें हैं वो जो मिक्स करके सीरियस सिचुएशन होती है वरना नहीं लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ नौशिया एंड वॉमिटिंग And let's talk about बाकी सारी चीज़ें जो आपको इसके बारे में जाननी चाहिए याद रखिए nausea यानी vomiting इसका सबसे important causes सारे label करेंगे फटाफट So common causes क्या है याद रखिए gastroparesis नाम की एक बीमारी है यानी कि अगर आपका पेट जो है बहुत अच्छे से churn नहीं कर रहा काम नहीं कर रहा तो आगे push नहीं कर रहा तो पीछे यानी ऊपर gastroparesis हो सकता है यानी कि digestion problem नहीं होगा proper churning नहीं होगी आपको nausea vomiting होगी आपको हमने बताया general anesthesia, chemotherapy, intestine आपका obstruct हो गया यानी कि अथड़िया में कहीं ब्लॉकेज है चाहे लैटरिन फंसी है मोशन फंसा है या कुछ और फंसा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या बाहर से कोई दबा रहा है वो उसके वजह से वॉमिटिंग होगी उसमें पेट भी फूलेगा पेट माइग्रेन में भी होता है नौशिया वॉमिटिंग मोशन सिकनेस हमने बता चुके हैं मॉर्निंग सिकनेस बता रखे हैं और वायरल इन्फेक्शन वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस बच्चों में रोटा वायरस बड़ों में वायरल स्टमक फ्लू और कान की बीमारी वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में भी होता है नौशिया वॉमिटिंग देर आर मेनी मेनी अदर कॉजेज लाइक लिवर फेलियर लिवर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी खुद खाना खा के बहुत उल्टियाँ करना वो भी एक अपने अपेंडिसाइटिस ब्रेन ट्यूमर एनाफेलेक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन बहुत हैवी वाला उसके वजह से भी होता है उसके बाद में बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो BPPV यानी कि सिंपल वर्टिगो चक्कर आना उसमें भी नौशिया वॉमिटिंग होता है बुलीमिया नर्वोसा बुलीमिया मीन्स वो लोग जो जब उनको खाना खा लिया ज़्यादा तो फिर बहुत ज़्यादा खाते हैं बहुत ज़्यादा फिर जानबूझ के उल्टी करते हैं पतले होने के लिए गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो कोलेसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन हो कोरोना वायरस की बीमारी हो COVID-19 में भी नौशिया वॉमिटिंग होता है क्रॉन्स डिजीज़ हो पेट की डिप्रेशन हो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो शुगर में भी होता है और डिजीनेस चक्कर आ रहा है तो भी होता है कान का इन्फेक्शन हो तो भी होता है स्प्लीन में सूजन हो तो भी होता है फीवर में हो सकता है किसी भी कारण से फीवर हो उसमें हो सकता है फूड पॉइजनिंग गॉल स्टोन्स हार्ट अटैक GERD जनरलाइज एंजाइटी राइट हेपेटाइटिस हमने बताया हायाटस हर्निया हाइड्रोसिफेलस पैराथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयड फटाफट मैं बाकी के बता दे रहा हूँ इंटाक्रेनियल अगर ब्रेन में ब्लीड हो गया तो भी होता है इंटरसेप्शन से भी होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम से भी होता है मेनिनजाइटिस मिल्क एलर्जी मीनियस डिजीज पैनक्रियाटिक कैंसर पैनक्रियाटाइटिस और क्या बचा पेप्टिक अल्सर और पाइलोरिक स्टेनोसिस टॉक्सिक हेपेटाइटिस रेडिएशन सिवियर पेन इन सब से हो सकता है बहुत सारे कारण घपा घप आपको बता दिए और दवाइयों से दवाई में किस दवा से ज़रूरी चीज़ एस्पिरिन एनसेड्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिजिटालिस नारकोटिक्स एंटीबायोटिक्स इनसे हो सकता है ठीक है सो दीज आर द थिंग्स विच कॉजेज नौशिया वॉमिटिंग तो अल्टीमेट क्वेश्चन है कि आप कब डॉक्टर के पास जाओगे वेन शुड यू सी अ डॉक्टर इफ यू हैव nausea vomiting के साथ associated chest pain डॉक्टर के पास सिवियर abdominal pain blurred vision दिख नहीं रहा confusion बहुत ही high fever with stiff neck meningitis हो सकता है मान लीजिए rectal bleeding हो रही है कहीं से भी ऊपर से नीचे से bleeding हो रही है तो इनमें से कुछ भी हो तो आपको तुरंत जाना है अगर nausea vomiting के साथ सर में दर्द है बहुत ज़्यादा और मान लीजिए लाइट हेडेडनेस चक्कर आ रहे हैं वॉमिटिंग में ब्लड है तो इमीडिएट आपको जाना पड़ेगा अस्पताल जाने के बाद आपका बहुत इजी है अगर आप अस्पताल नहीं भी जा रहे हो तो कुछ बेसिक चीज़ें करो
अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले याद रखिए कि आपको रिलैक्स रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, ओआरएस सॉल्यूशन ले लीजिए या कोई भी कार्बोनेटेड सिंपल ड्रिंक ले सकते हैं, लेमोनेड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, कोल्ड क्लियर वाटर, मिंट मिंट टी ले सकते हैं, अपना सिंपल सिंपल चीज़ें, और ब्लांड फूड खाएं, मसालेदार खाना नहीं खाना है, स्ट्रॉन्ग ओडर वाली चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा कोई स्मोक परफ्यूम स्टफ़ी कोई हीट ऐसी ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें, गरम गरम ये कोई फ्लिकरिंग लाइट यूज़ ना करें ताकि इरिटेट हो, और ओवर द काउंटर मोशन सिकनेस वाली मेडिकेशन जैसे डाइफिनहाइड्रामीन मैक्लिजाइड ऐसी चीज़ें ले सकते हैं ट्रैवल सिकनेस टाइप की चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका वो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का। याद रखिए जब भी आपको इस प्रकार का नौजिया वॉमिटिंग वाला केस होता है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आपके केस में नौजिया वॉमिटिंग हुआ क्यों। अगर हमें नौजिया वॉमिटिंग का कारण ही नहीं पता तो हम ठीक किसको करेंगे। वेरी सिंपल। सो नौजिया वॉमिटिंग का जो कारण कारण की बात करें तो याद रखिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, पेट का अल्ट्रासाउंड, पेट का एग्जामिनेशन। पेट के एग्जामिनेशन में हमें क्या पता चलता है कि आपके पेट में कहीं कोई मेजर इन्फ्लामेशन तो नहीं चल रहा, अपेंडिक्स तो नहीं है एग्जामिनेशन में, ब्लड आ रहा है वॉमिटिंग में, कॉफ़ी ग्राउंड है तो कहीं वो ब्लीडिंग तो नहीं रही इंटरनल, सो पेट में इन्फेक्शन है या क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। कहीं आप बहुत ज़्यादा वेट लूज तो नहीं कर रहे, कहीं कहीं से ट्रैवल करके आए हो, कुछ उल्टा सीधा बाहर से खा के आए हो, कोई दवाई ले ली है, प्रेग्नेंट तो नहीं हो, ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। कहीं कोई ड्रग ड्रुग तो नहीं खाया, कोई मैरिजुआना कुछ ये वो उसके वजह से भी होता है। अगर फिर भी कुछ हिस्ट्री में नहीं निकल कर आया, हिस्ट्री में निकल कर आया तो उस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। रिमेंबर ऑल डॉक्टर्स आर डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव भाई साहब को आपका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। सो अल्टीमेट इसके बाद नया नया चीज़ क्या मिलेगा हमें, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या मतलब क्या, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें TLC डिफरेंशियल्स उससे पता चलेगा इन्फेक्शन तो नहीं है, लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिन एनालिसिस अल्ट्रासाउंड CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन ये सब चाहिए होगा। इनसे आइडिया मिलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, डिपेंडिंग अपॉन किस पर्टिकुलर टाइप की बीमारी है उसको उसके हिसाब से दिया जाता है। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर भाई साहब या तो सर्जरी की ज़रूरत है तुरंत, या तो फिर सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है तो एनीमा विनीमा देके वी ट्राई टू कि मोशंस हो जाएं बढ़िया से, फिर ठीक हो जाता है आदमी, ऐसा भी होता है। स्टोन वोन है तो स्टोन के लिए पेन किलर दी जाती है, कई बार IV मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है गैस की, और पेन किलर कई बार डायरेक्टली दे दिया जाता है आपको अस्पताल में जाते ही, फिर सोचा जाता है भाई इसको क्या हुआ है देखा जाएगी, क्योंकि पेन ही कई बार लोग इतना लेके आते हैं। सो डायग्नोसिस विल डिपेंड अपॉन योर सिम्टम्स, योर हिस्ट्री, योर टेस्ट एंड द डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशंस, राइट। सो याद रखिए घर में जो केयर आपको करनी है अपनी खुद की रहें, और रेगुलर दवाई लेते रहें, बंद नहीं करना है, टेक क्लियर लिक्विड्स आपको ज़्यादा लेना है, और प्रेगनेंसी है तो ये होगा आपके डॉक्टर से बात करें, गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें। ओवर द काउंटर मेडिकेशन एंटी हिस्टामिन डाइफिनहाइड्रामीन जैसी चीज़ें ले सकते हैं। यू कैन टेक देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कोपोलामीन स्किन पैच, वो भी आता है अगर बहुत ज़्यादा कोई लंबा ट्रिप जा रहे हो और उसमें आपको पता है ट्रिप में मेरे को मोशन सिकनेस होता है तो स्कोपोलामीन के पैच आते लगा के जाओ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इंडिया में आते नहीं आते पता नहीं, बट आते हैं, दुनिया में आते हैं, दैट इज़ देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज डोंट गो ऑनलाइन एंड सर्च। ऑनलाइन सर्च करते हैं तो अल्टीमेटली क्या आता है, कैंसर आता है, ट्यूमर आता है, या फिर कोई ना कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आएगा। और अल्टीमेटली एक डॉक्टर से बात करो, द बेस्ट डॉक्टर इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अ जनरल सर्जन। सर्जन आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिजिशियन भी जा सकते हो, फिजिशियन सर्जन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, दीज आर द डॉक्टर्स विच यू नीड टू गो टू एंड गेट योर सेल्फ डायग्नोस। याद रखिए यू कैन डू योर सेल्फ अल्ट्रासाउंड, अगर आप चाह रहे हो कि आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो आप डायरेक्टली पहले अल्ट्रासाउंड करवा के जा सकते हैं, दैट विल गिव अस अ क्लियर आइडिया कि क्या हो रहा है। और बेसिक टेस्ट अगर खुद करा के जाना है तो CBC ESR LFT KFT यूरिन एनालिसिस, ये 5 टेस्ट आप कराएं और उससे हमें एक आइडिया, और HSCRP भी करा सकते हो, वो भी करा सकते हो, उससे हमें डॉक्टर के पास जाते हुए या ऑनलाइन कंसल्ट करते हुए हमें आइडिया मिल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसके अलावा अगर आपको कोई हिस्ट्री है किसी प्रकार की तो वो भी आइडिया दे, गॉल स्टोन की हिस्ट्री है तो गॉल स्टोन की वजह से हो रहा है, फिर इधर उधर फालतू की चीज़ें भागने की जरूरत ही नहीं हमको, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ नौजिया वॉमिटिंग इज डेल्ट विथ, एंड
उस दौरान मेक श्योर टू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, गैस की गोली खाइए, वॉमिटिंग की गोली खाइए, फिर 15 मिनट बाद थोड़े से लिक्विड लीजिए, मीठा खा सकते हो अगर डायबिटीज़ नहीं है, और धीरे धीरे फिर आपकी नॉर्मल डाइट शुरू हो जाएगी. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. थैंक यू.